रीवा में एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ये दूसरी बार है जब किसी मरीज को शिफ्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इसके पहले पहली बार सिंगरौली के डीजे के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 53 वर्षीय श्यामवती सोनी को आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जिसके लिए पूरा प्रशासन तंत्र लगा हुआ है। यातायात डीएसपी मनोज वर्मा को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कमान सौंपी गई है, जिसके चलते संजय गांधी अस्पताल से चोरहटा का हवाई पट्टी तक एक मार्ग पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। एम्बुलेंस के लिए जो मार्ग बनाया गया है उसमें प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, टीआरएस चौराहा, जयस्तंभ, विक्रम पुल होते हुए टहका में निकाला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस चोरहटा हवाई पट्टी पहुंची। आपको बता दें कि श्यामवती सोनी सर्जरी विभाग के चिकित्सक अनुज कुमार सोनी की माता हैं, जिनकी हालत खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है। देखिए, श्यामवती सोनी जी हैं, उनके अंबु सोनी और अनु सोनी जी हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ एक उनमें से अंबु सोनी जी एचडीएमएस में ही जॉब करते हैं, एक अनु सोनी हैं जो एमडी हैं बाहर। उनकी माताजी का यहाँ काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रही श्रीमती श्यामवती सोनी जी। तो ये लोग उनको एयरलिफ्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमारे प्रशासन के लोगों ने, मतलब तहसीलदार साहब और डीएसपी साहब ट्रैफिक के, और दोनों हमारे सूबेदार साहब दिलीप जी और राकेश जी, इन लोगों ने व्यवस्था बनाई है जो पिछले बार हुई थी, उसी तरह से इनको यहाँ से एयर अपनी हवाई पट्टी तक ले जाकर वहाँ से एयरलिफ्ट करने का प्लान है।